हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अ लास्ट बिट ऑफ आवर सेकंड चैप्टर दैट इज पीएमएम 2 एंड टेम्परेचर स्केल. सो व्हाट इज पीएमएम? आई थिंक आपको पहले चैप्टर में मालूम हुआ है. पीएमएम 1 मीन्स परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जो हमने पहले चैप्टर में देखा था. द मशीन विच वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड पीएमएम 1 और पीएमएम ऑफ फर्स्ट काइंड और परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड. Similarly, if there is a machine which violates second law of thermodynamics, then we can say that PMM 2 or perpetual motion machine of second kind. जैसे कि आप ये देखो, what is our second law? Second law state that all supplied heat cannot be converted into work. Means it. For a machine, it is impossible to take heat and convert all into work. Some of the heat get rejected. Okay, मतलब जो भी heat हम supply करते हैं वो पूरी की पूरी work में convert नहीं होती, कुछ उसका part reject होता है. This is second law of thermodynamics. So if there is a machine which converts all heat energy into work, is nothing but perpetual motion machine. क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करिए, उसका कुछ भी पार्ट रिजेक्ट नहीं हो रहा है. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, कुछ पार्ट तो रिजेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी की क्वालिटी होती है, सभी एनर्जी एक क्वालिटी की नहीं होती है. इसका मतलब एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्टेबल नहीं है. किसी मशीन के लिए अगर आप एनर्जी सप्लाई करते हो तो वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है. और ये क्या कह रहा है पीएमएम 2 कि जो भी हीट आप जो भी एनर्जी आप मशीन को सप्लाई कर रहे हो वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो रही है. ओके, सो अ मशीन विच कन्वर्ट्स ऑल सप्लाइड एनर्जी इनटू वर्क इज कॉल्ड पीएमएम 2 और परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड. ओके, इसका मतलब इस मशीन की इफिशेंसी 100% है. क्लियर? और दूसरी बात है कि ये जो पीएमएम 2 है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक कंसेप्ट है, ताकि अगर कोई मशीन ऐसी बनती है जो सेकंड लॉ को वायलेट करती है तो इसका मतलब सेकंड लॉ ट्रू नहीं है कि सेकंड लॉ वायलेट हो सकता है. तो लेकिन अभी तक ऐसी मशीन बनी नहीं है जो सेकंड लॉ को वायलेट करती है. ओके, सो पीएमएम 2 क्या है आपको समझ में आ गया अभी. अब हम देखेंगे लास्ट बिट, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल. सबसे पहले मैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी एक्सप्लेन करूँगा. जनरली अब हमारे पास थर्मोमीटर रहता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. थर्मोमीटर कैसा रहता है, ऐसे एक ट्यूब रहती है जिसमें एक रेगुलर इंटरवल रहते हैं और जिसमें मर्क्यूरी भरी हुई रहती है. ओके, इसमें मर्क्यूरी भर रहती है. अब इसका जो एंड है अगर वो किसी कॉन्टेक्ट में आ जाए तो वो हीट सेंस कर लेता है, वो हीट इस मर्क्यूरी को मिलती है और हीट मिलने की वजह से मर्क्यूरी एक्सपांड होती है, तो एक्सपांड होते होते वो ऊपर चढ़ती है. ओके, तो कितने हीट मिलने के बाद मर्क्यूरी कितना एक्सपांड होगी इसका रिलेशन मालूम रहता है. मतलब एक डिग्री, फॉर एग्जांपल एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर मर्क्यूरी समझो इतना राइज होगी, टू डिग्री के बाद इतना राइज होगी. तो अकॉर्डिंगली जितना यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा उतने डिग्री वो एक्सपांड होगी, तो हम पता चल जाता है कि ये टेम्परेचर अभी यहाँ पर इतना है. ओके, मतलब थर्मोमीटर से हम जो भी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो इस मर्क्यूरी के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है. ओके, मतलब मर्क्यूरी की और मर्क्यूरी की जो प्रॉपर्टी है, मतलब अगर हम दो तीन अगर थर्मामीटर लेंगे अलग अलग एरिया में, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज रहा है ये मर्क्यूरी में और इसके मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी में, तो इसका टेम्परेचर रीडिंग अलग मिलेगा, इसका टेम्परेचर अलग मिलेगा, इसका टेम्परेचर अलग मिलेगा. हो सकता है ना, इधर मर्क्यूरी की प्रॉपर्टीज भी अलग है, इधर थोड़ी सी अलग हो, इधर थोड़ी सी अलग हो, तो हमें सेम टेम्परेचर नहीं मिलेगा. एक्चुअली हमें सेम टेम्परेचर मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये टेम्परेचर मेजरमेंट एक मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है, एक फ्लूइड के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है, जो स्पेस टू स्पेस या जगह टू जगह वैरी होता रहेगा. तो इससे हम एक्यूरेट टेम्परेचर तो नहीं मेजर कर सकते. मतलब एक थर्मोमीटर आपको दिखाएगा 20.5 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरा उसी टेम्परेचर को दूसरा थर्मोमीटर लेंगे तो शायद वो 20.5 नहीं मेजर कर पाएगा, वो 20.4 रीडिंग दे देगा, क्योंकि वो रीडिंग इस मर्क्यूरी के ऊपर डिपेंड है, मतलब इस वर्किंग मीडियम के ऊपर डिपेंड है. तो हमें एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत है
जो किसी किसी वर्किंग फ्लूइड के प्रॉपर्टी के इंडिपेंडेंट अपना काम करे, मतलब किसी वर्किंग फ्लूइड के प्रॉपर्टीज पे उसकी मेजरमेंट डिपेंडेंट ना हो, ऐसा हमें डिवाइस चाहिए। अगर हम ऐसा बना सके तो ही वो टेम्परेचर किसी भी जगह आप मेजर करोगे तो सेम रहेगा। क्लियर? तो बेसिकली दिस वॉज द नीड फॉर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। तो उसके लिए हमारे पास हमारा कैरनॉट हीट इंजन मिला। कैरनॉट हीट इंजन में हमने क्या प्रूव किया था? कि कैरनॉट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, उसका और वर्किंग फ्लूइड का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, मतलब हीट का और उसका कुछ लेना देना नहीं, जैसे टेम्परेचर वैरी होगा वैसे ही एफिशिएंसी वैरी होगी। मतलब जो भी रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कैरनॉट साइकिल पे वर्क करता है उसका एफिशिएंसी का और वर्किंग फ्लूइड के प्रॉपर्टीज का या वर्किंग फ्लूइड के नेचर का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो उसकी इफिशेंसी कब चेंज होगी? जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, मतलब अगर हम रिवर्सिबल हीट इंजन अगर यूज़ कर पाए टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए तो वो हमें हर जगह पे एक ही रीडिंग देगा, क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसमें जो वर्किंग फ्लूड यूज़ हो रहा है उसके नेचर का या उसके प्रॉपर्टीज़ का उसके इफिशेंसी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ हीट इंजन लेंगे जो सीरीज में कनेक्ट है, मतलब पहले हीट इंजन का सोर्स, उसने वर्क डन प्रोड्यूस किया, दूसरे हीट इंजन को उसने ही उसने दूसरे सोर्स सिंक को हीट रिजेक्ट की। ओके, अब दूसरे का जो सिंक है, मतलब पहले का जो सिंक है अब वो दूसरे के लिए सोर्स है, वो बची हुई हीट सप्लाई करेगा Q2, फिर से वर्क निकलेगा, फिर वो हीट रिजेक्ट करेगा तीसरे दूसरे सिंक को, तो दूसरे का जो सिंक है वो तीसरे का सोर्स रे कंटिन्यू। अब हमने इस ये जो नंबर ऑफ हीट इंजन ऐसे अरेंज किए कि इनसे जो वर्क डन मिलेगा वो सेम रहेगा, भले ही उसका हीट सप्लाई अलग अलग हो लेकिन उसका वर्क हमें सेम मिलेगा, इस तरह से हम उसे अरेंज करने वाले। ओके, तो हम क्या करने वाले, द टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर रिमेन्स यूनिफॉर्म एंड फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ हीट ट्रांसफर, दिस मीन्स दैट रिजर्वायर हैज ओनली वन प्रॉपर्टी डिफाइनिंग इट्स स्टेट एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ रिजर्वायर इन सम फंक्शन एंड दैट प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर। मतलब वो जो हीट इसमें जो सिंक और सोर्स को हम डिफाइन करने की प्रॉपर्टी वो सिर्फ टेम्परेचर है, उसका या हीट का कुछ लेना देना नहीं, उसे हम सिर्फ टेम्परेचर से डिफाइन करेंगे। तो हम क्यू को एक ऐसे फंक्शन में बना सकते हैं कि क्यू इज फंक्शन ऑफ सम फॉर्म दैट के इज नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर। तो मतलब क्यू क्या है, के का फंक्शन है। ओके, अब ये जो फंक्शन है हमने ऐसा चूज किया है कि जिससे हमें Q1 by Q2 मिले T1 by T2। ओके, हमने ये जो फंक्शन ऐसे चूज किया कि हमें ये मिलेगा Q1 by Q2 equals to T1 by T2। ओके, या सिमिलरली अगर नीचे कर लेते हैं तो Q2 by Q3 equals to T3 by T2, वेयर T1 and T2 आर दी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर। ओके, और इससे हम अगर हमें वो इंटरवल मालूम है तो हम उसका टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं कि T equals to 2 reference into, मतलब समझो हमें कुछ रेफरेंस टेम्परेचर मालूम है ये हीट इंजन, ओके, कि इतना हीट देने के बाद इतना टेम्परेचर मिलता है। सपोज क्यू रेफरेंस हीट देने के बाद इतना ही टेम्परेचर मिलेगा मालूम है, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू रेफरेंस अपॉन क्यू जो हमें निकालना है इक्वल्स टू टी रेफरेंस अपॉन टी। तो टी रेफरेंस हमें मालूम है, क्यू रेफरेंस हमें मालूम है, और क्यू मालूम रहा तो हम ये टी भी निकाल सकते हैं। ओके, अब ये रेफरेंस कहाँ से लिया उन्होंने, इन्होंने टेम्प वाटर के ट्रिपल पॉइंट का यूज़ करके वो रेफरेंस निकाला है और वो मिलता है 273.15। ओके, मतलब इससे हम आराम से पता करेंगे कि कोई टेम्परेचर हमें मालूम है तो वो उसका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस।
केल्विन, डिग्री नहीं केल्विन, समझ में आ गया। वाटर का ट्रिपल पॉइंट यूज़ करके उन्होंने एक रेफरेंस निकाल लिया, वो यूज़ करके हमें एक रिलेशन मिलेगा कि डिग्री सॉरी केल्विन का टेम्परेचर कितना रहता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके सो सिंपल था ये थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर स्केल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सॉरी सॉरी। तो आई थिंक आज का आपको मालूम हुआ मैंने जो पढ़ा है, परपेचुअल मोशन ऑफ सेकंड कॉइन ये भी राइट शॉर्ट नोट के लिए पूछेंगे, और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल ये भी आपको शॉर्ट नोट के लिए पूछेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेजरमेंट में एक्यूरेसी आए। पहले एक्यूरेसी क्यों नहीं आती थी, क्योंकि पहले जो कन्वेंशनल थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट के डिवाइस थे वो किसी फ्लूड के प्रॉपर्टी की, जैसे थर्मामीटर है वो मर्क्यूरी के ऊपर काम करता है, तो जैसी मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी रहेंगी वैसे आपको टेम्परेचर देंगे। अब मर्क्यूरी भी यूनिवर्सली सेम प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, एक थर्मोमीटर अलग टेम्परेचर बताएगा, दूसरा थर्मोमीटर अलग टेम्परेचर बताएगा एक ही रीडिंग का। तो वो अवॉइड करने के लिए हमें एक ऐसा स्केल चाहिए था कि जो किसी वर्किंग फ्लूइड के ऊपर डिपेंड ना रहा। तो इसके लिए इन्होंने एक हाइपोथेटिकल डिवाइस लिया, रिवर्सिबल हीट इंजन जो कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है, जिसका एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पे, मतलब उसके एंड पॉइंट हम सिर्फ टेम्परेचर से डिफाइन कर सकते हैं। और फिर उन्होंने एक सम फंक्शन लेके ऐसा फंक्शन लिया कि Q1 बाय Q2 इक्वल्स टू T1 बाय T2, मतलब Q1 W Q2 T1 T2, Q1 बाय Q2 आना चाहिए, T1 बाय T2। और रेफरेंस के लिए इन्होंने दूसरा ही बोलता हूँ मैं, उन्होंने एक हीट इंजन लिया था एक्चुअल में, जिसका सोर्स का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और सिंक का टेम्परेचर था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 और W। तो वहाँ से उन्हें जो ये फ्रैक्शन वहाँ से भी मिला था, और ट्रिपल पॉइंट का यूज़ करके भी ये फ्रैक्शन वहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है कि एक डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, मतलब 273 प्लस 273.15। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर जो हमने अभी फिनिश किया। तो इसमें बहुत ही सिंपल था, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल थे, और इसमें से आपको 2 या 3 थ्योरी क्वेश्चन प्रॉबेबली उसमें से एक आपको पूछा जाएगा और एक न्यूमेरिकल आएगा कार्नोट साइकिल के ऊपर। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके थैंक यू।